आज की इस वीडियो में मैं आपको बांधकाम कामगार में न्यू रजिस्ट्रेशन करने का फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। जो अभी बांधकाम कामगार की वेबसाइट में नया अपडेट आया है उसके तहत मैं आपको बांधकाम कामगार में नया लेबर कार्ड कैसे बनाए उसके लिए बताने वाला हूं। उसके लिए सिर्फ आपको दो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, एक आपका 90 डेज का सर्टिफिकेट और दूसरा आपका आधार कार्ड और एक आपकी लाइव फोटो लगेंगे जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहां पर आपको टाइप करना है mahabocw.in, इतना टाइप करके आपको इंटर पर प्रेस कर देना है। तो देखिए जो सबसे पहला लिंक मिलेगा आपको इसी पर क्लिक करना है तो आपके सामने महाराष्ट्र इमारत इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अब न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कॉन्ट्रेक्शन वर्कर रजिस्ट्रेशन, आपको सिंपली इसी पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से टाइप करना है और यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आपका ज़िला यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करना है, जो भी आपका 12 अंकी आधार कार्ड नंबर होता है वो टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। उसके बाद प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड ही देखिए यहाँ पर आपको न्यू BOC रजिस्ट्रेशन एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये फॉर्म आपको पूरा फिलअप करना है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करनी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पर फादर नेम या हस्बैंड नेम और यहाँ पर लास्ट नेम आपको टाइप कर देना है। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, आप मेल है या फीमेल है तो यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपका आधार नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है कि आप मैरिड है या अनमैरिड है, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से इस कैलेंडर से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है तो इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इस कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ अपने सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी एज ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है कि आप जर्नल है, NT है, OBC है, AC है या ST है, तो चलिए जर्नल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस डिटेल फिलअप करनी है, जिस तरीके से आपके आधार कार्ड में एड्रेस है उसी तरीके से यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में दिखा देता हूँ। तो जो यहाँ पर ये नज़र आइकन नज़र आ रहा है आपको, ये ज़रूरी है, ये रिक्वायरमेंट है, आपको ये फिलअप करना है। और ये जो बाकी के है जहाँ पर ये निशान नहीं है ये ऑप्शनल है, ये आप चाहो तो फिल कर सकते हैं या फिर उसे आप छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एरिया टाइप करना है, यहाँ पर आपका शहर टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये राज्य यानी कि स्टेट ऑटोमेटिक महाराष्ट्र यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है यानी कि ज़िला, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना ज़िला यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना तालुका सेलेक्ट कर लेना है, तो तालुका ध्यान यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ से देखिए हम पोस्ट ऑफिस भी अपने सेलेक्ट कर लेते हैं। पोस्ट ऑफिस जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पिन कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी फैमिली डिटेल फिलअप करनी है, तो फैमिली डिटेल में आप किन लोगों का नाम ऐड कर सकते हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके माता पिता या फिर पत्नी और या फिर दो पहले बच्चे आपको इसमें ऐड करना है। तो फैमिली डिटेल ऐड करने के लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये इस तरीके का एक एरो नज़र आ रहा होगा, इसको आपको इस तरीके से इधर ड्रैग करना है राइट साइड तरफ। तो यहाँ पर देखिए आपको ऐड मोर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ऐड मोर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड मोर पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक टेबल ओपन हो जाएगा, इसमें आप अपने फैमिली की डिटेल ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर सर नेम, यहाँ पर फादर या हस्बैंड का नेम और इस कैलेंडर से यहाँ पर आप उनकी डेट ऑफ बर्थ भी टाइप कर सकते हैं। इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और जो भी डेट ऑफ बर्थ है उनकी इस कैलेंडर से इस तरीके से यहाँ पर टाइप कर देंगे तो उनकी एज जो है तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको रिलेशन बताना है कि इनका आपसे क्या रिश्ता है, तो जैसे ये फादर है, मदर है, वाइफ है, तो यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको आधार कार्ड नंबर उनका टाइप करना है, तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद इस तरीके से इसे ड्रैग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एजुकेशन, उनकी पढ़ाई कितनी हुई वो इस तरीके से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी जितनी भी पढ़ाई हुई है उनकी वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर उनकी पढ़ाई नहीं हुई है तो यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में आपको नॉट एजुकेटेड आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। और आपको मेंबर ऐड करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जितने भी मेंबर ऐड करेंगे उनमें से किसी एक को यहाँ पर आपको नॉमिनी बनाना है, तो यहाँ पर देखिए नॉमिनी है तो ये एक बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आपको इस तरीके से सिर्फ टिक करना है तो ये नॉमिनी बन जाएंगे। और भी अगर आपको मेंबर ऐड करने तो इस तरीके से इसे ड्रैग करेंगे, ऐड मोर पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक और हमें कॉलम मिल चुका है। अगर आपको और भी मेंबर ऐड करने तो आप ऐड मोर पर क्लिक करेंगे,
तो यहाँ पर फिर से एक कॉलम हमको मिल जाएगा। तो जितने भी मेंबर आपको ऐड करने हैं इस तरीके से आपको ऐड करना है, ऐड मोर पर क्लिक करना है तो एक कॉलम ओपन हो जाएगा, उसमें आपको अपनी फैमिली की डिटेल ऐड करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयर डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयर डिटेल देनी होगी। तो यहाँ पर देखिए आप डिटेल्स ऑफ द 90 डेज वर्किंग सर्टिफिकेट, 90 दिवसाच्या कामाच्या दाखल्याची तपशील यहाँ पर आपको देनी है। तो सबसे पहले देखिए आपको वर्कर नेचर ऑफ वर्क, तो देखिए कामगाराच्या कामाचे स्वरूप आपको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर टाइप करना है। इस पर क्लिक करेंगे और जो भी काम आप करते हैं जैसे कि ऑल टाइप हेल्पर है या फिर मानसून वर्क है, सेंटरिंग वर्कर है, तो यहाँ से देखिए स्लैब वर्कर है, फ्लोरिंग है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, पेंटर है, इलेक्ट्रॉनिक है, वेल्डर है, जो भी है, जैसे कि हम यहाँ से सेंटरिंग वर्कर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तो देखिए ये हमारा टीम में बांधकाम कामगार आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको टाइप ऑफ इशू जारी करने का प्रकार, तो यहाँ पर जो आपने 90 डेज का सर्टिफिकेट लिया है वो किसने जारी किया है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो इस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर ने दिया है, ग्राम सेवक ने दिया है, या फिर आपने अपनी महानगर पालिका से लिया है, और ये जो चौथा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ये नगर पालिका या नगर पंचायत का है, और पांचवा जो है तो ये ना का कामगार का है। तो हमने अपना 90 डेज का सर्टिफिकेट महानगर पालिका से लिया है, तो हम ये तीसरा जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए आपको डिस्पैच डेट टाइप करनी होगी, यानी कि जावक दिनांक, तो आपको इस कैलेंडर से आपको अपनी डिस्पैच डेट सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए हम अपना डिस्पैच डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये डिस्पैच डेट आपको आपके 90 डेज के सर्टिफिकेट पर लिखी हुई मिल जाएंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको डिस्पैच नंबर यानी कि जावक क्रमांक आपको यहाँ पर टाइप करना है, तो ये भी जावक क्रमांक आपको आपके 90 डेज के सर्टिफिकेट पर ही मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका महानगर पालिका का नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप टाइप कर देंगे जो भी आपका नगर पालिका है। उसके बाद देखिए महानगर पालिका का जो ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसे आपको यहाँ से टाइप करना है। तो चलिए हम वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से हम टाइप कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए महानगर पालिका का जो तालुका है वो भी आपको यहाँ पर टाइप करना है, तो यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना तालुका सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको देने हैं। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जो सबसे पहला है, तो देखिए आपको यहाँ पर अपलोड फोटो का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, उससे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कि मैक्सिमम फाइल साइज 2 MB से यहाँ पर ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर दे रहे हैं 2 MB से कम है तो चलेगा, लेकिन 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो अपलोड करनी है, तो अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए ये कैमरे की परमिशन मांगेगा, अगर आपके पास कैमरा है सिस्टम में या फिर अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे तो आप इसे अलाउ करके अपनी एक फ़ोटो कैप्चर कर सकते। हमारे पास गैलरी में फ़ोटो है तो हम गैलरी से अपलोड करेंगे, तो इसे यहाँ से हम ब्लॉक कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए अपलोड का एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए चूज फाइल का एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ कहीं भी आपकी फ़ोटो रखी है उसे उठाकर यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। तो फोटो अपलोड करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको ये ग्रीन ऑप्शन नज़र आ रहा होगा अपलोड का, इस पर आपको क्लिक कर देना है एक बार, तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एड्रेस प्रूफ देना है, तो एड्रेस प्रूफ में आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर आधार कार्ड है, आधार कार्ड का साइज़ भी आपको 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 MB से कम है तो चलेगा। आधार कार्ड कैसे आपको अपलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके आधार कार्ड की फ्रंट और बैक साइड एक ही पेज पर होनी चाहिए। अब आधार कार्ड अपलोड करने के लिए देखिए यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और जहाँ कहीं भी आपका आधार कार्ड रखा है उसे उठाकर यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर फाइल अपलोड सक्सेसफुली का ऐसा आपको ऑप्शन नज़र आना चाहिए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर 90 डेज का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यहाँ पर आप देख सकते 90 डेज वर्क सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको 90 डेज का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो इस पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे सेम उसी तरीके से, और जहाँ कहीं भी आपका डॉक्यूमेंट रखा है 90 डेज का सर्टिफिकेट उसे उठाकर यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये भी हमारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, इस पर आपको टिक करना है इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सेंड OTP का एक ऑप्शन नज़र आएगा और आपको यहाँ पर आपका पूरा मोबाइल नंबर नज़र आएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो चलिए हम OTP टाइप कर देते हैं। जैसे ही आप OTP टाइप करके वैलिडेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपका न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा।
एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आपको नोट करके रख लेना है। तो ये पूरा प्रोसेस था दोस्तों बांधकाम कामगार में अपना नया लेबर कार्ड बनाने का।